मेरी मां भगवती का प्रश्न है। ब्रह्म जो निर्गुण है वो सगुण क्यों बाबा ने कहा? देवी पहली बात ये समझ लो, सगुण और निर्गुण दोनों एक ही है। सगुण ही अगुण ही नहीं कछु भेदा, गावे ही मुनि पुराण बोध रे, अगुण य रूप अलख अज जोई, भगत प्रेम बस सगुण गुण रहित सगुन सोई कैसे चले, मां का संशय मिटा। क्या सगुण निर्गुण एक है? देखिए निर्गुण क्या है, आप तो जल स्वरूप है जिसका कोई रूप नहीं है, जल अरूप है, जिस पात्र में रखिएगा वो ऐसा स्वरूप धारण कर लेता है। और बर्फ यानी जल का जब बर्फ में स्वरूप परिवर्तित होता है तो वो स्वरूप है, वो सगुण है। जो भगवान अगुण है निर्गुण है उनका कोई स्वरूप नहीं, वो रूप है। लेकिन स्वरूप कब होता है? आ तो जब भगत प्रेम से प्रार्थना करते, भगत जब कामना करते हैं, आकांक्षा करते हैं, साधना से मांगते हैं तो भगत मां ने पूछा भगवान का स्वरूप है क्या? बाबा ने कहा कोई नहीं जाने। मति अनुमान निगम उनका कोई याद अंत नहीं। निगम माने वेद भगवान, अनुमान करके और ऐसा कहते हैं क्या? बिनु पद चले सुनई बिनु पाना, बिनु पद चले सुनई बिनु पाना, बिनु कर बिनु नाना, बिनु कर आनन रहे सकल रस भोगी, आनन रहे सकल रस भोगी, बिन पानी भक्तावर जोगी, बिन पानी भक्तावर जोगी, ध्यानावस्थित तदगतेन मनसा। मुनि लोग जिनको ध्यान में पाते हैं, जाहि धरहि मुनि ध्यान, जिसका मुनि लोग ध्यान करते हैं, वही मेरे प्रभु सोई दशरथ सुत भगत
कलपति भरगवा। वही मेरे श्री चक्रवर्ती महाराज के पुत्र होकर के आ गए, जिनका राम राम पड़ा, काशी जी में जिनके नाम को देकर जीव तो क्या जंत को भी मैं शोक रहित कर देता हूं। राम जी कौन है? राम जी परमात्मा है, मेरे प्रभु हैं। ता भ्रम अति अभिहित तव। देखिए, राम जी के स्वरूप को मान कर ही जाना जा सकता है, जानकर मानने की परंपरा अच्छी नहीं है। जो मान गया वो जान गया। राम जी कौन है, क्या है राम जी, पहले मानो फिर जानो। भगवान के बारे में जानना हो तो ऐकिक नियम का आश्रय करिए। माना संख्या 100 है। सवाल हल हो गया, 100 कहाँ जाता है इसका पता नहीं। भगवान को मानिए, पहले मानिए। अब हम आप कथा कर रहे हैं, गा रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये हमारी आपकी भगवान में निष्ठा श्रद्धा का ही परिणाम है। हम भगवान को भगवान मानते हैं तो गा रहे हैं, आप भगवान को भगवान मानते हैं तो सुन रहे हैं। मानते हैं ना भगवान है। कितने वर्षों से हम लोग 92 से श्रीधाम अयोध्या जी में श्रीराम जन्म महोत्सव में कथा गा रहे हैं, गा रहे हैं। बीच में एक दो वर्ष नहीं आए, कहीं मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, वहाँ चले गए, वहाँ चले, फिर निष्ठा बनाया कि नहीं प्रतिवर्ष यहीं रहना है। केवल प्रजा को ये खबर है कि भगवान श्री राम जी का मंदिर अयोध्या जी में निर्माण होने लगा है। पहले भागवतों की भीड़ आती थी सप्तमी से, सप्तमी अष्टमी नवमी, इस बार पहले दिन से ही श्री राम नवमी में भीड़ प्रारंभ हो गई, रहने की जगह दुर्लभ हो गई। साहब आश्रम में हमारे 110 कक्ष हैं, बगल में और 100 कमरे लेने पड़े, फिर भी कम पड़ गया, तो जो हाल था उसी में लोग लेटे रहे। पुलिस प्रशासन भी बेचारे भैया लोग घबरा गए कि व्यवस्था करें कैसे, इतना दबाव बन गया, पूरी मानो दुनिया पलट गई कुंभ मेले की तरह। चीटी चले, इतने लोग आ गए। किस लिए आए? जिनका राम जी में प्रेम है वो केवल राम जी के मंदिर निर्माण का दर्शन करने आ गए। ये प्रजा प्रेम है, ये प्रजा का राम जी में प्रेम है। यह प्रेम बनाने से नहीं बनता, यह प्रेम होता ही है। इसलिए बाबा कहते हैं भगत प्रेम बस सगुण सो हो। प्रेम, मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रेम को बढ़ाइए। अगल में, बगल में, नाते में, रिश्ते में, हित में, मित्र में, सब में प्रेम को बढ़ाइए, बैर न बढ़ाइए। जब प्रेम बढ़ाएंगे तो गैर भी अपना हो जाएगा। अब बैर बढ़ाने को लाभ नहीं है, पूरी दुनिया में हमने प्रेम बांटा है, पूरी दुनिया हमारे प्रेम का दर्शन करके और हमारे प्रभु का ही सेवा पूजा करने लगी। श्री कृष्ण भावनामृत संघ इस्कान एक ऐसा आंदोलन हो गया है, यूके और अमेरिका में, इंग्लैंड और अमेरिका में प्रवाह चल रहा है। हरे रामा राम रामा, हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, दिन रात गायन एक ही भाव गाओ, गली गली में एक ही बात। ये कहाँ से निकला? अति यही थी अपनी भगवत भूमि, भारत भूमि से निकला है।